Hi student, I am Amisha, your English teacher, and today I am here to read our study of our English tutor book of class 5. So let's start. Our first chapter is King Dushyant and Shakuntala. Dushyant, the king of the Puru dynasty, ruled Hastinapur. He was proficient administrator and a just ruler. Vidushka, his friend, was always by his side. One day, King Dushyant made a plan of hunting in the forest. So he went into the forest with his huge army. After great effort, he shot an arrow at a deer, but the wounded deer ran away from his sight. He also started following the deer and reached an ashram. There, he saw a beautiful girl named Shakuntala nursing the deer, her pet. Shakuntala was born to the sack Vishwamitra and Apsara Menka. Menka had come at the command of the king god Indra to distract the great sage Vishwamitra from his deep meditation. Puru vansh ke Raja Dushyant Hastinapur par shasan kiya karte the. Vah ek kushal prashasak aur shasak the. Vidushka, unki friend, hamesha unke saath rehti thi. Ek din Raja Dushyant jungle mein shikar karne ka plan banaya. To wo विशाल सेना लेके जंगल की ओर गया। बहुत प्रयास के बाद उसने एक हिरन पे एक तीर मारी, लेकिन घायल हिरन उसके पास से निकल भागा। वह भी उस हिरन के पीछा करना शुरू कर दिए और एक आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। उनका नाम शकुंतला था। वह अपने पालतू हिरन का इलाज कर रही थी। शकुंतला का जन्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका से हुआ था। मेनका देवताओं के राजा इंद्र के आदेश पर आई थी, जो कि महान ऋषि विश्वामित्र के तपस्या को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थी। मतलब उनके गहरे ध्यान से उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थी। ओके, अब इसमें हार्ड वर्ड है। डायनेस्टी मीन्स राजवंश, प्रोफिशियंट मीन्स कुशल, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स शासक, हंटिंग मीन्स शिकार करना, ह्यूज मतलब विशाल, एफर्ट मीन्स प्रयास, बॉन्डेड मीन्स घायल, नर्सिंग मीन्स उपचार इलाज करना, कमांड मीन्स आदेश, मेडिटेशन मीन्स तपस्या या समाधि। ओके, किंग दुष्यंत प्रोफिशियली बेग्ड हर फॉरगिवनेस फॉर हार्मिंग द डियर एंड स्पेंड सम टाइम एट द आश्रम। राजा दुष्यंत ने हिरण को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षमा मांगा और कुछ समय आश्रम में बिताया। प्रोफिशली मतलब खुले दिल से, फॉरगिवनेस मींस क्षमा करना, हार्मिंग मींस नुकसान। शकुंतला'स ब्यूटी वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट द किंग फेल इन लव विथ हर। शकुंतला टू वॉज इंचैंटेड बाय हिज मैजेस्टिक पर्सनैलिटी। शकुंतला का रूप मतलब सुंदरता इतना ज़्यादा मनोहर था, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि राजा उसके प्यार में गिर गया। शकुंतला भी रॉयल उनके रॉयल पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, प्रभावित थी। ओके, तो इसमें कैप्टिवेटिंग मीन्स मोहक, मनोहर, इंचैंटेड मीन्स मंत्रमुग्ध मतलब खो जाना, मैजेस्टिक मीन्स शानदार, एंड पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व। देन मैरिड राइट देयर इन द आश्रम। बट एज द किंग हैड टू गो टू लुक आफ्टर हिज किंगडम, ही टोल्ड दिस टू शकुंतला। एट दिस शी वॉज हार्ट ब्रोकन, बट शी न्यू हर हजबेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज किंगडम। The day of the departure arrived. Shakuntala was in utter agony. Dushyant was also emotionally disturbed when Dushyant left Shakuntala
He gave Shakuntala a royal ring as a sign of their love, promising her that he would return to her soon. उन्होंने वहाँ आश्रम में ही शादी कर ली, लेकिन राजा को तो अपने राज्य संभालने के लिए जाना ही था, इसलिए ये सारी बात राजा ने शकुंतला से शेयर की। इस पर उसका दिल टूट गया था, लेकिन वह अपने राज्य के पति अपने पति की जिम्मेदारी को जानती थी। तो उसके प्रस्थान का दिन आ गया। अराइव मीन्स प्रस्थान। शकुंतला के लिए बहुत दुख वाली बात थी। दुष्यंत भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब था। इमोशनली डिस्टर्ब मीन्स भावनात्मक रूप से परेशान होना। जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर जा रहा था, तब उसे शकुंतला को एक रॉयल रिंग दिया, जो उसकी प्यार की निशानी के रूप में वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा उसके पास। तो हार्ट ब्रोकन मीन्स दिल टूटना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, डिपार्चर मीन्स जाने का या प्रस्थान, अटर मीन्स कुछ कहना, गोंगिंग मीन्स दुख, इमोशनली डिस्टर्ब मीन्स भावनात्मक रूप से परेशान। ठीक है, शकुंतला वाज सो डिस्प्रिटेड बाय दुष्यंत सेपरेशन। वन डे शी वाज सिटिंग इन द गार्डन एंड रिकॉलिंग हर स्वीट मेमोरीज विथ हर हस्बैंड किंग दुष्यंत। इन द मीन टाइम द ग्रेट सैग दुर्वासा वॉज पासिंग थ्रू द सेम गार्डन वेयर शकुंतला वॉज सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री। शी फेल टू नोटिस द अराइवल ऑफ सेग दुर्वासा। शी डिड नॉट रिसीव्ड हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट। सेग दुर्वासा वॉज फेमस फॉर हिज एंग्री बिहेवियर। सो द शॉर्ट टेम्पर सेग बिकम फ्यूरियस एंड कर्ज्ड हर that the person she was thinking of would forget her. Shakuntala still lost in her thoughts, did not realize what had happened. But Anusuya and Priyamvada, pleased with the sag to calm down his anger and reduce the harshness of the curse. Sag Durvasa felt pity for Shakuntala and said that on seeing the ring which was given by the king as a sign of his love, Dushyant would recognize her. Time passed and Shakuntala, wondering why Dushyant did not return for her, finally set out for the capital city with her father and some of her companions. On the way, they had to cross a river by a boat attracted by the deep blue water of the river. Shakuntala ran her finger through the water. Her ring slipped off her finger without her realization. Shakuntala ko Dushyant se bichhadne ka jitna के बाद बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। एक दिन वह बगीचा में बैठी थी और अपने हस्बैंड दुष्यंत के साथ स्पेंड किया हुआ स्वीट मेमोरीज को याद कर रही थी। इसी बीच महान ऋषि दुर्वासा उसी बगीचा जहाँ शकुंतला बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, वहाँ से वो गुजरे। वह ऋषि दुर्वासा के वहाँ आने को नोटिस नहीं की। उसने ऋषि दुर्वासा को सम्मान के साथ नहीं मिला। ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के वाले बिहेवियर के लिए बहुत फेमस थे। तो शॉर्ट टेम्पर ऋषि उग्र बन गए। शॉर्ट टेम्पर में जल्दी ही गुस्सा आना, उग्र बन गए और उन्हें श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच रही है वह उसे भूल जाएगा। शॉर्ट टेम्पर में चिड़चिड़ाहट वाला गुस्सा। और शकुंतला अभी भी उसके विचारों में ही खोई थी। उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि हुआ क्या आखिर। लेकिन अनुसूया और प्रियंवदा ने ऋषि के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया और उसके अभिशाप की कठोरता को कम करने के लिए ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा को शकुंतला पर दया आ गया और उस रिंग जो कि राजा के प्यार की निशानी थी, उसे देखते हुए कहा कि दुष्यंत उसे पहचान लेगा जब भी उस रिंग को यह देखेगा। तो कुछ समय बीत जाता है। शकुंतला आश्चर्यचकित थी कि दुष्यंत अभी भी उसके लिए क्यों नहीं आया। अंत में उसके पिता के साथ वो उसके राजधानी शहर के प्रस्थान करती है। रास्ते में
वे लोगों को बोट से नदी पार करना पड़ता है। नदी के गहरे नीले पानी से आकर्षित शकुंतला ने पानी में अपने फिंगर को डालकर मूव करना स्टार्ट किया। उसकी अंगूठी उसके उंगली से निकल के पानी में गिर गया और उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसका अंगूठी पानी में गिर गया। ओके, इसमें आते हैं कुछ हार्ड वर्ड्स पे। शॉर्ट टेम्पर मीन्स बहुत जल्द गुस्सा आना। फ्रूरियस मीन्स उग्र। हार्शनेस मीन्स रफनेस, कठोरता जिसको बोलेंगे। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना और कंपेनियंस मीन्स साथी।